Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 16, A Busy Month from class 4th EVS semester 2. Chapter 16, A Busy Month. Bal Mandir, Bhavnagar, 13th April 1936. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. तो ये 13 अप्रैल 1936 की बात है. दिस इज़ अ लेटर. ओके, सो इस लेटर में जो बताया जा रहा है, बच्चों के लिए लेटर लिखा है कि आफ्टरनून के 3 बजे हैं, यानी दोपहर के 3 बज रहे हैं. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. स्काई में यानी आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है. द सन इज़ बर्निंग हॉट, यानी कि बहुत ही गर्मी पड़ रही है. एकदम सूरज ज़ोरों से चमक रहा है. द स्पैरोज, डव्स एंड सन बर्ड्स have started working in pairs as they prepare to make their nest. तो जो स्पैरोज़ हैं, डव्स हैं, सनबर्ड्स हैं, इन सभी लोगों ने पेयर्स में यानी एक दो दो करके एक साथ काम करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपना नेस्ट बना सके, यानी घोंसला बना सके. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. कुछ बर्ड्स ने तो अपना घोंसला जो है वो ऑलरेडी बना दिया है. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. कुछ नेस्ट में तो जो बर्ड्स हैं उन्होंने अंडे भी दे दिए हैं. द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स. जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं, यानी खाना खिला रहे हैं. विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स इन अदर थिंग्स. तो वो क्या खाना खिला रहे हैं? वो अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स खिला रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ें खिला रहे हैं. इन अवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देर इज़ अ बेबी डव. तो हमारे कोर्टयार्ड में भी एक बेबी डव है. देर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नो हैच्ड येट. तो उसके अंदर भी एग हैं लेकिन अभी तक वो हैच नहीं हुए, यानी उसमें से बच्चे अभी तक नहीं निकले हैं. ऑन द वे टू गोपाल भाईज़ हाउस देर आर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड. तो गोपाल भाई के हाउस घर की तरफ जाते हुए बहुत सारे रोड साइड पे बहुत सारे पत्थर हैं. इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स. तो इन पत्थरों के बीच में जो जगह है तो वहाँ पे जो इंडियन रॉबिन जो बर्ड होता है उसने अपने अंडे दिए हैं और उसने अपना नेस्ट बनाया है. बच्चू भाई शोड इट टू मी. तो ये चीज़ बच्चू भाई ने मुझे दिखाई. आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. तो जब मैंने उसे बाइनोकुलर्स से देखा तो मैंने देखा कि वो जो घोंसला उसने बनाया है वो घास से बनाया है. ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स रूट्स वुल हेयर एंड कॉटन वुल. तो ये जो नेस्ट था उस ये ऑलरेडी ग्रास से तो बना था लेकिन इसके ऊपर सॉफ्ट ट्विग्स थे, यानी छोटी छोटी सॉफ्ट टहनी जो बोलते हैं वो थी. रूट्स थे, वुल यानी कि जो धागा होता है वो था, बाल थे और कॉटन वुल था. दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट. तो इसी तरीके से रॉबिन जो है, रॉबिन बर्ड है, वो अपना घोंसला बनाता है. वॉट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स. तो कितना सॉफ्ट और कोजी यानी आरामदायक घोंसला था उसके बच्चों के लिए. द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो. रॉबिन क्रो के जैसा बर्ड नहीं है. अ क्रोज नेस्ट इन मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड. तो एक जो क्रो यानी जो कौआ का जो नेस्ट होता है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बना होता है. उसमें वायर भी होता है, उसमें वुड भी होता है. आई सॉ ए बेबी बर्ड इन द रॉबिन नेस्ट. तो मैंने रॉबिन के नेस्ट में एक बेबी बर्ड देखा, यानी उसका बच्चा देखा. इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक विथ वाइड ओपन. तो वो अपनी जो चोंच है वो खोल के उस घोंसले में बैठा हुआ था. द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड. उसका मुँह अंदर से लाल कलर का था. इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चीक ओपन बीक मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट. तो थोड़ी दूर में जो रॉबिन बर्ड है वो उड़ के अपने नेस्ट के ऊपर गया और उसमें जो उसका बच्चा बैठा था जिसने अपनी जो चोंच है वो खुली रखी थी उसमें उसने एक छोटा सा शायद इंसेक्ट डाला. बाय देन इट वॉज इवनिंग. इतने में शाम हो गई थी. द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चीक. तो रॉबिन भी वहाँ पर सेटल डाउन हो गया अपने बच्चे के साथ. यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली. आपको पता है कि जो कोयल है वो काफ़ी मीठा गाती है. डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. क्या आपको पता है कि ये जो बर्ड है ये अपना नेस्ट खुद से नहीं बनाता. इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट. तो एक जो कोयल होती है ये बहुत ज़्यादा चलाक बर्ड होती है. ये जो अपना अंडा है ये क्रो के नेस्ट में रखती है. द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स. तो ये जो क्रो है वो अपने अंडों के साथ ही कोयल के अंडों को भी हैच करता है, यानी ये तब तक वेट करता है जब तक उसमें से बच्चे ना निकल आए. देर इज़ अ स्मॉल ट्री नियर बाय. तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा पेड़ है पास में. इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच. तो उसकी एक ब्रांच में से एक नेस्ट हैंग कर रहा है, यानी लटक रहा है.
बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, बर्ड्स बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं. द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, जो कौआ है वो अपना जो घोंसला है वो ट्री में काफ़ी ऊंचाई पे बनाता है. द डव मेक इट्स नेस्ट अमोंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज, जबकि जो डव होता है वो अपना घोंसला या तो कैक्टस के प्लांट पे बनाता है कांटों के बीच में, या फिर मेहंदी के हेज पे बनाता है, जो मेहंदी के झाड़ आते हैं उस पे. द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एनी एंड अराउंड अवर हाउस, अवर ओन हाउस, जबकि जो चिड़ियाँ होती हैं वो अपने घर के आगे पीछे नियर बाई प्लेसेस में अपना घर बनाती है. इट मेक्स इट्स नेस्ट एनी वे ऑन द टॉप ऑफ अ कबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेज. तो जो चिड़िया होती है वो हमारे सराउंडिंग में ही घर बनाती है, या तो फिर हमारे जो कबर्ड है उसके एकदम ऊपर बनाती है, शीशे के पीछे बनाती है, जो खिड़की का छज्जा होता है उसके ऊपर बनाती है. डव ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, तो इसी तरह से डव भी अपने घोंसले बनाते हैं. ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स, ज़्यादातर वो अपने जो घोंसले हैं वो पुरानी बिल्डिंग्स में या फिर डेजर्टेड बिल्डिंग्स में, यानी जो खंडर बिल्डिंग होती है उसमें बनाते हैं. द बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल, तो जो बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड होते हैं वो समर के सीज़न में अपने टक 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 आवाज़ की वजह से हम उनको सुन सकते हैं. इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक, तो वो अपना घर जो ट्री का जो ट्रंक होता है यानी जो तना होता है वहाँ पे होल करके बनाते हैं. एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश, जबकि जो टेलर बर्ड है वो अपना घोंसला दो पत्तों को सिलकर बनाती है. इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इज दैट इट हैज़ मेड, तो वो अपने अंडे इन जो पत्ते हैं उनको फोल्ड करके वहाँ पे उनको देती है. दिस इज इट्स नेस्ट, तो आप देख सकते हो तो ये टेलर बर्ड का घोंसला है. द सन बर्ड्स मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश, यहाँ पे आप सनबर्ड देख सकते हो, तो सनबर्ड जो अपना घोंसला है वो भी एक छोटे से पेड़ पे या छोटी सी जो झाड़ी होती है उसकी ब्रांच पे लटकता हुआ बनाती है. द सेम इवनिंग वी सॉ सनबर्ड्स नेस्ट, तो उसी शाम को हमने सनबर्ड का नेस्ट देखा. कैन यू गेस व्हाट इज नेस्ट इज मेड ऑफ, तो आप बता सकते हो कि जो घोंसला है सनबर्ड का वो किस चीज़ से बना हुआ है. द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वुल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लोथ, रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉफ वेब्स, तो आप देखिए जो सनबर्ड है उसका जो घोंसला है वो बालों से, घास से, पतली लकड़ियों से, ड्राई लीव से, कॉटन वुल से, ट्री के बार्क से जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उसके पीसेस से, इवन स्पाइडर के कॉबवेब से वो बनाती है. When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. जब मैंने binocular से उसमें देखा उस घोंसले में, तो मेरे को उसमें एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई दिया. It was sitting near the small opening in the nest. तो वो छोटा सा बच्चा उस नेस्ट के जो ओपनिंग थी छोटी सी वहाँ पे वो बैठा था. It was waiting for its mother to bring some food. वो अपनी मम्मी का वेट कर रहा था कि मेरी मम्मी कब खाना लेके आएगी. What else can it do? Just eat and sleep. वो और क्या कर सकता है, या तो खा सकता है या फिर वो सोता है. Do you know about the weaver bird? अब आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो that this is a weaver bird and this is the nest of a weaver bird. How beautiful it is looking. तो आप क्या ये weaver bird के बारे में जानते हो? The male weaver bird makes beautifully woven nest. तो जो weaver bird होता है यानी जो male weaver bird होता है वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपने nest को बुनता है. Weaver का मतलब जो कपड़े बनाते हैं, तो यहाँ पे इस bird का नाम भी weaver है because ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घोंसले को बनाता है. The female looks at all the nest and chooses the one that she likes the best and decide in which to lay, in which to lay her eggs. तो जो female होती है वो अपने nest को ध्यान रखती है उसका, उसको चूज़ करती है और ये डिसाइड करती है कि कहाँ पे उसको अंडे देने हैं. तो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर. बाय बाय.